हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि इन दोनों की सोते होते रह जाती है, तो अब इसके आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी अंजू की मॉम आ जाती है, फिर इन लोग बातें करते, फिर इन लोग बोलते चलो आंटी जी आप फ्रेश होके आ जाओ, हम खाना खा निकाल लेते। तब फिर ऐसा बोल के हमारी अंजू की मॉम चल जाती है, और जो हमारी जो अंजू और जानवी होती है वो किचन एरिया में चल जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी अंजू का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ नंदिनी, क्योंकि नंदिनी ने उसका क्यूट सा मोमेंट होते होते बिगाड़ दिया होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो हमारी जानवी देखती है यार कि अंजू का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, तो वो सोचती है यार इनको कैसे मैं ना नॉर्मल में लाऊँ। तो फिर हमारी जो अंजू होती है वो सब प्लेट्स वगैरह सब ले रही होती है, तो फिर हमारी जानवी क्या करती है, उनकी गाल के पास जाती है और धीरे से बोलती है टेंशन ना लो जी, खाना खाने के बाद आपको जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा, बस अभी के लिए आप अपना मूड ठीक कर लो। तो हमारी अंजू टर्न होती है हमारी जानवी की तरफ और बोलती है यार मिल जाती तो अच्छा हो जाता ना, लेकिन मिली तो नहीं है ना, अभी खाना खाएंगे कब जाएंगे कब, उसमें कितना टाइम है ना, जब तक मेरा मूड तो ऐसे ही रहेगा। तो हमारी जानवी बोलती है नहीं नहीं मुझे ऐसा मूड नहीं चाहिए आपका। तो हमारी अंजू बोलती है अच्छा आपको नहीं चाहिए तो फिर दे दो जल्दी से, किस बात की देरी है। तो हमारी जानवी बोलती है अच्छा जी आपको अभी चाहिए तो फिर आपको टेरेस पे नहीं चाहिए। तो हमारी अंजू बोलती है नहीं नहीं टेरेस पे भी चाहिए और अभी भी दे दो ना, एक तो दे दो एटलीस्ट, टेरेस का बाद में देख लेंगे ना, खाना खाने के बाद चल जाएंगे, फिर आप वहाँ पर एक और दे देना मुझे। तो हमारी जानवी बोलती है अच्छा बट्टे एक साथ दो दो चाहिए आपको। तो फिर हमारी अंजू बोलती है हाँ हाँ प्लीज़ दे दो ना। तो फिर ये बोल के हमारी जो अंजू होती है वो हमारी जानवी का हाथ पकड़ लेती है और बहुत उसके सामने बोलती है यार प्लीज़ बच्चों के टाइम पर दे दो ना करके। तो हमारी जानवी देखती है यार ये कितना मतलब इसके अंदर बचपन आया ना, किसके लिए कैसी कर रही है। तो हमारी जानवी बोलते नहीं नहीं जी आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, आप सोच लो आपको अभी चाहिए या फिर टेरिस पे। तो हमारी अंजू बोलती है यार प्लीज़ दे दो ना यार, अभी के लिए दे दो ना, तो मेरा मूड देखा है ना और ख़राब हो जाएगा ना, प्लीज़ मेरे मूड को ठीक करने के लिए एक और दे दो। तो हमारी जानवी थोड़ी सी अभी नखरे दिखाती है हमारी अंजू को, बट हमारी अंजू ने कहा छोड़ना होता है उसको, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो हमारी जानवी बोलती है नहीं बेटे नहीं आपको तो सिर्फ एक ही मिलेंगे, आप सोच लो अभी चाहिए या फिर टेरिस पे। तो हमारी अंजू बोलती है यार छोड़ो तुम टेरिस पे दे देना। तो ये बोल के हमारी अंजू का मूड और थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। फिर हमारी जानवी दिल ही दिल में हंसती है यार कि इसका मूड ख़राब हो गया, अब तो ठीक करना पड़ेगा, इसका ऐसे मूड नहीं रख सकती मैं, नहीं देख सकती मैं इनका मूड इतना ख़राब। तो बोलती है अच्छा ठीक है आपको है ना टेरेस में मिलेगा, ये बोलती है और जो प्लेट्स वगैरह होते हैं वो लेती है अंजू के हाथ से। और जैसे हमारी अंजू हमारी जानवी की तरफ टर्न होती है तो हमारी जो जानवी होती है उसको उसके चिन पे सडनली वाला किस करती है और अपनी प्लेट से लेकर जल्दी भाग जाती है हमारी किचन एरिया से। तो हमारी जानवी तो चले जाती है बट हमारी अंजू तो हक्का बक्का रह जाती है कि यार ये क्या हो गया। तो हमारी जानवी तो चल जाती है लेकिन हमारी जो अंजू होती है वो तो सोच में चल जाती है यार अभी क्या हुआ ना कि उसने इतनी सडनली किया होता है, पर उसने पहले तो उसको बहुत मना करती है फिर उसने सडनली दे दिया होता है। तो हमारी अंजू के भाई दिल में तो अभी सितार गिटार बज रहे होते हैं, बहुत खुश होती है और बहुत ज़्यादा है ना स्माइल करती है और बहुत ही ज़्यादा है ना वो मोमेंट को उस समय तो नहीं जी पाती क्योंकि उसने इतने सडनली किया होता है। तो यार उसको फील करती है इमेजिन करती है कि यार उसने कैसे मेरे हाथ से डिश लिया एंड सडनली वाला किस दिया चिन पे, वो इमेजिन करके बहुत ज़्यादा हंसती है। तो वहाँ से नंदिनी आती है और बोलती है ओए मैडम सपनों के ख्यालों से बाहर आ और मुझे खाना दे, पता चला मैं तेरे घर पर मर ना जाऊँ कहीं। तो फिर हमारी अंजू बोलती है यार तू ना मजाक नहीं, तू भाई तू निकल मेरे घर से, एक मिनट तो मुझे खुश रहने दे यार, मतलब उस समय भी तूने डिस्टर्ब किया, अब अच्छे से मेरा मूड बना था अभी भी आगे डिस्टर्ब करने के लिए। तो हमारी अंजू बोल तो हमारी नंदिनी बोलती है यार कौन सा तेरा मूड, मैंने कौन सा डिस्टर्ब किया बताना मुझे ज़रा। तो हमारी अंजू जैसे ही बोलती है जानवी, तो फिर हमारी जानवी आ जाती है और जानवी बोलती है अंजू को क्या हो गया मेरा नाम क्यों ले रहे थे। तो हमारी नंदिनी बोलती है यार पता नहीं क्या बात कर रही है, उसने बोला कि मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैं कुछ इमेजिन कर रही थी स्माइल कर रही थी खुश हो रही थी तो मेरा मूड एकदम से स्पॉइल कर दिया नंदिनी ने,
वही मुझसे पूछ रही थी, तो उसने तुम्हारा नाम लिया तो फिर हमारी जानवी को तो समझ में आ जाता है कि यार ये उस बात की बात कर रही है करके। बट हमारी जो अंजू होती है बोलती है बेटा तेरे को खाना खाना है कि नहीं, कि बातें सिर्फ अपना पेट भरेंगी। तो हमारी नंदिनी बोलती है हाँ यार जल्दी ला मुझे बहुत भूख लग रही, तो ये बोलती है। फिर हमारी जो नंदिनी तो चल जाती है किचन एरिया से और बैठ जाती है अपने डाइनिंग टेबल पे, कि चेयर पे। तो फिर हमारी जो अंजू होती है वो सडनली हमारी जानवी का हाथ पकड़ती है। सडनली हाथ पकड़ने के बाद वो अपनी जानवी को अपनी तरफ खींचती है और बोलती है यार तुमने क्या किया ना, इतने सडनली किया कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो हमारी जानवी बोलती है अच्छा जी आपको महसूस भी करना है अभी। तो हमारी अंजू बोलती है हाँ ना महसूस तो करना पड़ेगा ना, मेरे को पहले तो महसूस नहीं हुआ, चलो एक बार दो मेरे को महसूस करना है। तो हमारी जानवी हंसती है और बोलती है बेटे जल्दी आ जाओ वरना जो टेरिस वाला है ना वो भी नहीं मिलेगा अभी। तो तुम्हारी अंजू बोलती है नहीं यार नहीं प्लीज़ प्लीज़ एक और बस लास्ट वाला बस महसूस करके है ना मैं ना फिर टेबल पे चल जाऊँगी डाइनिंग एरिया में। तुम्हारी जानवी बोलती है नहीं बेटे एक दिया है अब और नहीं देना मैंने। तुम्हारी अंजू बोलती यार दे दो ना, बड़े प्यार से उसकी आँखों में देखते और बोलती यार प्लीज़ एक ही दे दो प्लीज़ एक ही दे दो। तो हमारी जानवी का तो दिल आ जाता है हमारी अंजू की बातों पर और वो अपनी जानवी उसके लिप्स पे रखती है अपना हाथ और बोलती बस चुप रहो बोलती है हमारी अंजू को और उसके फेस की तरफ जा रही होती है हमारी जानवी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी जानवी की हाइट होती है थोड़ी सी छोटी, तो उसकी वजह से वो पहुँच नहीं पाती। तो हमारी अंजू उसको एक और बार ले ली थी अपनी गोद में और बोलती यार मतलब दिल ही बोलते चलो मैंने ले लिया अब तुम्हारी टर्न। तो फिर हमारी जानवी देख के हंसती कि यार इसने एक और बार ले लिया मुझे। तो फिर हमारी जो जानवी होती है बड़े प्यार से अंजू के दोनों हाथों को पकड़ती है, क्योंकि इस बार अंजू ने उसको गोद में नहीं लिया होता है, उसने अपने किचन एरिया में उसको बिठाया होता है। तो फिर हमारी जो जानवी है वो हमारी फिर अंजू के दोनों हाथ को पकड़ती है और बड़े प्यार से उनको किस करती है, चूमती है और अपने दोनों हाथों के साथ मतलब उसको पकड़ती है उसके हाथ और खुद के गाल पर रख देती है। फिर हमारी अंजू भी उसको भी पता नहीं क्या हो जाता है सडनली हमारी जानवी को देख के हमारी अंजू भी उसको कर लेती है फोर हेड पे किस बड़े प्यार से। और हमारी जानवी और हमारे अंजू के हाथ तो मतलब जानवी के हाथ के ऊपर जानवी के फेस के ऊपर ही रहते हैं, तो बड़े प्यारा वाला मोमेंट रहता है इन दोनों का। और सडनली हमारी जो जानवी है वो फिर उसके ना थोड़े से लिप्स के करीब जा ही रही होती, तो हमारी नंदिनी और से चिल्लाती यार तू खाना ला रही है या फिर मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लूँ। तो फिर ये सुन के हमारी जानवी का तो सॉरी हमारी अंजू का तो है ना ऐसा लगता है कि यार आज मैं इसका मर्डर ही कर दूँगी। मतलब यार उसने हर एक मोमेंट पे ना इनका ना पूरा चुकंबर बना लिया होता है अच्छे खासे मोमेंट का। तो फिर हमारी जानवी बोलती है यार छोड़ो ना उसको भूख लग रही होगी ना, हम टेरेस पे कर लेंगे बाकी का जो भी है हमारा। तो हमारी अंजू देख के स्माइल करती पक्का ना दूँगी ना मुझे। तो हमारी जानवी बोलती है हाँ बाबा अभी इतना नहीं बोला फिर भी दिया ना, तो टेरिस वाला तो बनता ही है देना क्योंकि मुझे सॉन्ग जो सुनना है आपके मुँह से। तो हमारी जानवी ये बोलती और बड़े प्यार से ना हमारी अंजू को है ना फोरहेड पे किस करती और बोलती चलो आप आ जाओ बाकी का सब ले लिया है हमने। ये बोल के हमारी जानवी चल जाती और हमारी जो अंजू होती है वो तो भाई बस हमारी जानवी की बातों को रिपीटली अपने दिमाग में बस चला रहती है और बहुत खुश होती है कि यार ऐसा हुआ वैसा हो गया किस किया हाथों को चूमा। एंड वो फिर हमारी नंदिनी की याद आ जाती है कि उसने नंदिनी की वजह से हमारी किस होते होते रह गई। तो फिर इस बार वो मन में बोलती है यार इस बार कुछ भी हो जाए नंदिनी नहीं, इस बार कोई भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे नंदिनी को ताला मार के क्यों ना रखना पड़े घर में, बट इस बार तो मैं उसको हमारे बीच में आने नहीं दूंगी, कब अपनी हंडी नहीं बनने दूंगी। ये बोलती और बड़े स्माइल करते हुए निकलती किचन एरिया से। फिर वहाँ देखते कि इन लोग सब बैठ के होते हैं और हमारी जानवी ने स्पेशली उसके साइड वाली चेयर रखी होती है हमारी अंजू के लिए। तो हमारी अंजू देख के स्माइल करती कि चलो यार मतलब साइड में वाली चेयर मिल गई उसको जानवी के साथ। तो फिर देखते कि इन लोग सब अपना खाना लेते, फिर हमारी अंजू बड़े प्यार से हमारी जानवी को सर्व करती है खाना सर्व करती है, फिर खुद के भी प्लेट में डालती है और उसको बोलती है खा के बताओ कैसा बना है। तो हमारी जानवी स्माइल करती बोलती है गाजर का हलवा इतना टेस्टी बनाया था तो ये तो भाई उससे भी ऑसम होगा,
ऐसे बोलते हैं, उन लोग मज़े मस्ती से खाते हैं। और सच में हमारी अंजू ने बहुत अच्छा वाला, मतलब बहुत टेस्टी वाला खाना बनाया होता है कि सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और हमारी नंदनी तो भाई बस खाने में उसका रहता है, और तारीफ वारीफ कहीं सब चूल्हे में, बस खाने में वो बस अपना लगाती है अपना दिमाग, और बस खाती रहती है। हमारी अंजू बोलती है, यार ये एक बंदी है, पता नहीं कितने बार खा लिया लेकिन एक बार इसके मुंह से मैंने एक तारीफ नहीं सुनी अपने लिए। तो हमारी नंदनी बोलती है, यार खाने तो दे यार, बाद में कर लेंगे तारीफ, पहले पेट पूजा पहले ना, तारीफ वारीफ का क्या है, बाद में देखा जाएगा। तो हमारी अंजू बोलते हैं, हाँ बेटा तेरे से उम्मीद भी क्या है मुझको, ये बोलती है। और बोलती है, चलो कोई नहीं, हमारी तारीफ़ के लिए किसी के पास लफ्ज़ ही नहीं है। तो हमारी जानवी बोलती है, अच्छा जी लफ्ज़ नहीं है, कहो तो पूरी की पूरी पोइट्री सुना दो आपकी तारीफ़ के लिए। तो हमारी अंजू